हिंदी फिल्मों में जोड़ियां बनाने का रिवाज रहा है, अच्छी जोड़ी, सुपरहिट जोड़ी और रोमांटिक जोड़ी। दर्शकों को लंबे समय तक ऐसी जोड़ियां याद रहती हैं जो पर्दे पर अच्छी लगती हैं। पर हम आपको ऐसी जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पर्दे पर परफेक्ट मिसमैच लगती हैं। मिसमैच जोड़ी बहुत लंबे समय तक दर्शकों को याद नहीं रहती है, इसीलिए हमने हाल ही की फिल्मों में आई परफेक्ट मिसमैच जोड़ियों को लिया है। जैसे ही आप इन जोड़ियों के बारे में सोचेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, यह जोड़ी तो पर्दे पर मुझे भी खटक रही थी। बेमैच जोड़ियों वाली फिल्म बहुत कम चली, जो फिल्में चली भी उनकी वजह जोड़ियां नहीं रही। अच्छी बात यह रही कि जोड़ियों को फिल्मों में बहुत कम रिपीट किया गया। आर माधवन और विपाशा। आर माधवन और विपाशा एक साथ पहली बार 2009 में रिलीज हुई जोड़ी ब्रेकर्स फिल्म के साथ दिखे। माधवन शांत एक्टिंग करने वाले कलाकार माने जाते हैं, इसके उलट विपाशा लाउड एक्टिंग करने वाली। दो अलग अलग अभिनय स्टाइल वालों की यह जोड़ी पर्दे पर मिसमैच लग रही थी। यह फिल्म इस जोड़ी की वजह से ही पिटी। शाहिद कपूर और विद्या बालन। शाहिद कपूर किस्मत कनेक्शन फिल्म में विद्या बालन के साथ नजर आए। फिल्म में शाहिद कपूर का रोल तो ठीक था, लेकिन विद्या के साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। पर्दे पर विद्या उनसे बड़ी और मैच्योर दिख रही थी। शायद इस मिसमैच जोड़ी की वजह से ही यह फिल्म सुपर फ्लॉप रही। शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी। शाहिद कपूर के साथ ऐसे केस बार बार दोहराए गए जब उनकी फिल्मों की नायिका पर्दे पर उनसे बड़ी दिखती है। शाहिद कपूर के साथ दिल बोले हड़प्पा फिल्म में आई रानी मुखर्जी भी पर्दे पर मिसमैच लगी। इस फिल्म के फिल्म इंडस्ट्री हर तबके ने आलोचना की थी, बेसिर पैर की पटकथा के साथ बेमेल जोड़ी के लिए। गोविंदा और कैटरीना कैफ, यह जोड़ी डेविड धवन ने बनाई थी। फिल्म पार्टनर के लिए बड़ा सा पेट लिए गोविंदा के अपोजिट स्लिम और सेक्सी कैटरीना कैफ कास्ट की गई थी। फिल्म तो औसत कारोबार करने में सफल रही, लेकिन इस जोड़ी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। करीना कपूर और अनिल कपूर। करीना कपूर बेवफा फिल्म में अनिल कपूर के अपोजिट दिखी। पूरी फिल्म में अनिल कपूर करीना के अंकल लगते रहे और दर्शक इस बात से इरिटेट होते रहे। पर्दे पर फिर यह जोड़ी कभी रिपीट नहीं हुई। करीना ने एक बयान में इस फिल्म को अपना गलत चुनाव भी कहा था। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।